काशी की जनता नरेंद्र मोदी जी को अपने हृदय में बसा चुकी है। काशी ने जो सोचा नहीं वो काशी को मिला। काशी को विकास के भी दर्शन हुए और विरासत के भी दर्शन हुए। काशी के विकास की गंगा भी वही है और विरासत की भी गंगा वही है। मैं तो काशी का रहने वाला हूँ, इसी काशी में पैदा हुआ। मेरा गांव बिहार में है मगर हमारा गांव 70 किलोमीटर दूर है। इस नाते हमारा जन्म के लिए हॉस्पिटल काशी, हमारी पढ़ाई का कॉलेज काशी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय काशी। तो उस काशी को देखते हुए जो काशी का वैभव वापस आया, जो अहिल्याबाई होलकर जी ने जिस काशी विश्वनाथ जी के कभी क्षतिग्रस्त मंदिर को ठीक कराया, लेकिन गंगा जी से वो मंदिर नहीं दिखता था। गंगा जी के भाग्य थोड़े दूर थे बाबा विश्वनाथ के मंदिर से। गंगा जी को काशी विश्वनाथ बाबा विश्वनाथ से मिला देने वाले मोदी जी ने, उसी जगह पर गंगा में स्नान करने वाले मोदी जी ने, चाहे वो सड़कों की बात हो, हाईवे की बात हो, या फिर काशी के गरीबों को अलग अलग ढंग से उनको सुविधाएं देने की बात हो, या फिर काशी के रेड़ी पटरी के लोगों को पीएम स्वनिधि की बात हो, चाहे काशी के युवाओं को मुद्रा लोन के साथ स्वरोजगार करने की बात हो, काशी के गांवों को विकास के पथ पर ले जाने की बात हो, किसानों की सहायता की बात हो, व्यापारियों की सुरक्षा की बात हो, मोदी जी ने ऐसा किया कि काशी के लोगों ने मोदी जी को अपना भाग्य समझ लिया और उसी मोदी जी के लिए आज तैयार खड़ी है काशी। इस देश की जनता इंडिया अलायंस को इसी तरह से देख रही है। पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि ये साल में, पांच साल में 5 प्रधानमंत्री अगर इनका बस चले तो रखें, ये लोग हर एक एक साल पे अलग अलग व्यवस्था बदलने की कोशिश करें और ये लोग संविधान को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे राहुल गांधी जी हों या अखिलेश यादव जी हों या फिर इनके धड़े में और जो हो, आज इनकी बातें क्या निकल के आती हैं? कहीं सनातन नष्ट करने की बात आती है और कहीं कहीं इन लोगों के द्वारा वोट बैंक पॉलिसी को सिर्फ तुष्टीकरण करने की बात आती है। पहली बार एक भारतीय जनता पार्टी को लीड कर रहे नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने गरीबों की चिंता की थी। क्या राहुल गांधी जी पहले सत्ता में नहीं थे? क्या थे? अखिलेश यादव जी नहीं थे? क्या थे? लेकिन गरीब घर को इज्जत घर मिलना या उनको जो भी सुविधाएं मिलना, बैंकों से जुड़ना, ये राहुल गांधी के पिताजी ही तो थे। आज उन्हीं की बात याद करते हुए कि 1 रुपया में 15 पैसे पहुंच रहे हैं, हम 1 रुपया के 1 रुपया पहुंचा रहे हैं। शत प्रतिशत पहुंचाने की नियत वाले को आप गाली दोगे? आप नरेंद्र मोदी जी को 20-25 लोग मिलकर के रोज जो गाली देते हैं उसको इस देश की जनता देख रही है और उसका जवाब दे। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।